तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं चैनल ट्रिपल आई टॉक्सिक कॉस्मोस। तो आज हम बनाएंगे यूएसबी किलर। तो जैसा आप देख सकते होंगे, हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है और एक मस्किटो रैकेट सर्किट बोर्ड यूज़ किया है। तो ये जो बॉक्स है, हम इसके अंदर इनबिल्ट करेंगे और यूएसबी किलर को चार्ज करेंगे। तो ये मेल और फीमेल यूएसबी जैक है, जैसा कि आप देख सकते होंगे, और ये बटन स्विच है और ये चार्जिंग जैक है। इससे हम अपने रैकेट को चार्ज करेंगे। तो मैं इस बॉक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने देखा होगा ढेर सारे कट है। हमने ये कट इसलिए बनाया है जैसे कि हम अपने फीमेल यूएसबी जैक को इसके अंदर इनबिल्ट करें। और इसके आपने दो लेग देखे ही होंगे, जैसे कि आप देख सकते होंगे। इसे हम लॉक कर देंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। हम इसे मोड़ देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और आप देख रही है कि खूब हिल रहा है। तो हम इसमें एक पेपर कट पीस लगाएंगे, हमने पहले से कट करके और मोटा बनाया है जिससे बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो हम इसके बाद इसे लॉक कर देंगे, फैक्ट्री से चिपका देंगे। अब बारी है चार्जिंग जैक की। तो हम आपको चार्जिंग जैक लग दिखा देते हैं कि हमने इसे कैसे कट किया है। हमने कट किया है बिल्कुल इसके हिसाब से और इसमें फिट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो अब बारी है इसमें बटन स्विच लगाने की। हम आपको दिखाते हैं कि हम बटन स्विच कहाँ पर लगाएंगे। इसी होल से अपने दोनों वायर को लेकर आएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हम इसमें से पहले कैपेसिटर निकाल लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर ही करंट को स्टोर करता है, जिसकी मदद से हम यूएसबी किलर बना सकते हैं। तो अब हम इसे सोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इन दोनों वायर को मोड़ लिया है। अब मोड़ने के बाद हम इस यूएसबी जैक में इसे सोल्डिंग कर देंगे और फिर से हम अपने कैपेसिटर को भी सोल्डिंग कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कैपेसिटर को सोल्डिंग कर लिया है, दोनों कैपेसिटर को। तो अब बारी है मेल जैक से ज्वाइन करने की। तो हम इसे यूएसबी से सोल्ड कर रहे हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी में टच ना हो। अगर इसकी बॉडी में टच होगा तो आपको करंट मार सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसे वो करना है सोल्डिंग। ये आपको 5-10 रुपये में यूएसबी जैक मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि हमने कितने आराम से इसे फिट करके बिल्कुल इसके सामने में रखा है। तो आप देख सकते होंगे फीमेल वायर में प्लस और माइनस में कोई भी आपको देखना नहीं है। कैसे भी दोनों सेम वायर ज्वाइंट कर दिया है। जहाँ से हमने कैपेसिटर निकाला, अब वहाँ पर हम इसे वायर को छिलके सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे सोल्डिंग कर लिया है। हम इसे चेक कर लेंगे कि ढीला तो नहीं है, तो इसलिए हम इसे खींच लेते हैं। तो अब बारी है इसमें प्लस का टर्मिनल ज्वाइंट करने की। तो आप देख सकते होंगे ट्रांजिस्टर का बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, और हमने जो ट्रांसफार्मर के नेगेटिव से इसे ज्वाइंट किया है। हमने बाकी के पीस को कट कर लिया जो काम के नहीं थे। बाकी जो काम के थे वो ये रहे। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे माइनस और प्लस टर्मिनल को। तो हम आपको बता देते कि हम ऐसे कैसे वो करेंगे। देखिए, जब हम इसे पावर सप्लाई देंगे तो इस जो यूएसबी है ये चार्ज हो जाएगा और फिर से आप किसी भी डिवाइस में लगा दीजिए, उसे किल कर देगा। तो अब बारी है चार्जिंग जैक में प्लस और माइनस के वायर लगाने के लिए। तो हमने इसके नाप बॉक्स के नाप के हिसाब से वायर को कट कर लिया है। तो आप देख सकते होंगे बैटरी का ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। हमने इसमें जो पहले से डायोड लगा हुआ था, इसलिए हमें डायोड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने इसे निकाल लिया है, तब हम इसे फिट करके फेविक्विक की मदद से इसे चिपका लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, हमने इसे फेविक्विक की मदद से इसे टाइट कर लिया है। हमने बिल्कुल इसे अच्छे से टाइट कर लिया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने जो कागज़ के एक पीस था जिसे हमने मोड़ के फोल्ड किया था, हम इसे फेविक्विक की मदद से इस यूएसबी में चिपका लेंगे, जिससे कि हमारे यूएसबी हिले नहीं। तो अब बारी है जो हमने इसके नाप का बॉक्स काटा था, हम उसमें से इनबिल्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे, जो दो लेग निकले हुए थे हमने उसे मोड़ दिया है, जिससे कि हमारे यूएसबी जैक हिले नहीं। और जहाँ पे मैंने इसे चिपकाया था, वहाँ पे मैं फेविक्विक डाल दूंगा जिससे हिले नहीं। और इसके किनारे में मैंने कागज़ का पीस डाल दूंगा, जैसे कि आप देख सकते होंगे बिल्कुल अच्छे से फिट कर रहा हूँ मैं इसे। और उसके बाद इसमें फेविक्विक डाल दूंगा कि ये भी टाइट हो जाए किनारे से। तो अब बारी है बटन स्विच में वायर ज्वाइंट करने की। तो मैंने पॉजिटिव का एक वायर है उसे ज्वाइंट कर दिया है। तो पहले मैं स्क्रूटर रैकेट का पॉजिटिव इसे बाहर निकाल लूँगा, तब बटन सेल का डालूंगा। उसके बाद इसमें मैं सोल्डिंग कर लूँगा। तो जैसे कि आपने देख सकते होंगे कि मैंने एक और वायर सोल्डिंग कर ली जो मस्किटो रैकेट में पॉजिटिव निकलता है, और बाकी का जो एक पॉजिटिव वायर था वो मैं डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करूँगा। तो जैसे कि देख सकते होंगे मैंने इसे घींच लिया है। उसके बाद मुझे जहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है, मैं वहाँ पे फेविक्विक डाल के इसे टाइट कर दूँगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फेविक्विक डाल दिया है और इसे टाइट कर दिया। इसमें जो नेगेटिव है, पॉजिटिव वायर है जो बटन स्विच के निकल रहे हैं, मैं उसे बाहर निकाल लूँगा। और अब मैं पहले बैटरी को चार्जिंग जैक से ज्वाइंट कर लूँगा। तो जो जितने भी पॉजिटिव वायर है मैं पॉजिटिव से ज्वाइंट कर लूँगा, और नेगेटिव वायर को नेगेटिव से। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मैंने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया है। अब बारी है नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करने की। तो अब मैं इसके बाद मस्किटो रैकेट का नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लूँगा, पॉजिटिव को अभी रहने दूंगा। जब मैं बैटरी को इस बॉक्स के अंदर डालूंगा, तब मैं वायर को कनेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं इन्हें ध्यान से इस बॉक्स के अंदर इन्हें फिक्स कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मैंने बैटरी को डाल दिया है, और उसके बाद मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइंट कर लूँगा। तो देख सकते होंगे जो दोनों वायर है, इन दोनों को सोल्ड कर लिया है।
अब मैं इन्हें सोल्ड कर लूंगा तो सबसे पहले मैं बैटरी को 5 क्यूब की मदद से चिपका लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते होंगे मैंने इसे चिपका लिया। अब मस्क्यूटो रैकेट को इसके अंदर डाल दूंगा, तो अब मैं इन दोनों वायर को सोल्ड कर लेता हूँ कि जिससे वायर निकले नहीं, और उसके बाद मैं हीटिंग स्लिप को इसके अंदर लगा दूंगा कि जिससे कि जो हमारी वायर है वो शॉर्ट ना हो। तो मैंने इन दोनों को सोल्ड कर लिया है। अब जो स्लिप हीट स्लिप वायर है मैंने इन्हें ग्रीट करके इन्हें जॉइंट कर दूंगा जिससे शॉर्ट ना हो। तो अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो अब बारी है बॉक्स को फिट करने की। तो मैं आपको पहले अच्छे से दिखा देता हूँ कि कोई भी वीडियो फेक नहीं है। तो चार्जिंग जैक का जो पॉजिटिव वायर आप देख सकते हो कि बैटरी से अटैच है, उसके बाद वो स्विच से होकर मस्क्यूटो रैकेट में रेड में अंदर गया है, और जितनी ब्लैक है वो ब्लैक से अटैच है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो जिसमें मैंने स्लिप लगाया था उससे मैं बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं बॉक्स को इसके अंदर डाल के फेविकोल की मदद से चिपका लूँगा। तो अब मैं इस जो बॉक्स है उसे चार्ज लगा दूंगा क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। तो पहले फेविकोल की मदद से यूएसबी जैक को ज्वाइंट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पर ग्लू गन डाल के इन दोनों को अच्छे से बैठा देंगे कि जिससे ये हिले नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना हो। तो आप देख सकते होंगे हमने ग्लू गन इस पर डाल दिया चारों तरफ से। तो आपको ग्लू गन ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर आपने आगे की तरफ डाल दिया तो आपका जो ये यूएसबी किलर है वो चार्ज नहीं हो पाएगा। तो जो हिस्से का काम नहीं था हमने उस पर ग्लू गन डाल के जॉइंट कर लिया। आप टेप से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। तो देखिए ये जो हमारा है ये चार्ज हो गया है। हम उसमें कैपेसिटर डालकर जो यूएसबी किलर है उसे डाल देंगे। ये बिल्कुल चार्ज हो गया है। तो मैं आपको इसमें कनेक्टर डाल के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए, तो आप देख सकते होंगे इसमें कैसे लाइटनिंग निकली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।